नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। तो चलिए अब बात करते हैं व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी 50 58 अंकों की बढ़त के साथ 23,322 पर आकर बंद हुआ। वहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 149 अंकों की बढ़त के साथ 76,606 पर आकर बंद हुआ। आज एडवांस डिक्लाइन रेशो में 1,563 कंपनियों के शेयर के दाम बढ़े और वहीं 762 कंपनियों के शेयर के दाम गिरे। आज टॉप गेनर्स में कोल इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा शामिल रहे। वहीं टॉप लूजर्स में M&M, ब्रिटानिया, HUL, टाइटन कंपनी शामिल रही। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो आज निफ्टी बैंक 189 अंकों की बढ़त के साथ 49,895 पर बंद हुआ। आज एडवांस में 7 कंपनियों के शेयरों के दामों में बढ़ोतरी हुई और 5 कंपनियों के शेयरों के दामों में गिरावट देखने को मिली। टॉप गेनर्स में फेडरल बैंक, बैंक बड़ौदा, PNB, SBI शामिल रहे और टॉप लूजर्स में ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, AU बैंक शामिल रहे। चलिए अब बात करते हैं FMCG की। आज FMCG 57,495 पर आकर बंद हुआ। आज 5 कंपनियों के शेयर बढ़े और 10 कंपनियों के शेयर के दाम गिरे। वहीं बात करें टॉप गेनर्स की, तो आज टॉप गेनर्स में बाल रामचेन, VBL शामिल रहे और बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में ITC, UBL शामिल रहे। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी 16 अंकों के साथ 34,547 पर आकर बंद हुआ। आज टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, LTIM, HCL टेक शामिल रहे। टॉप लूजर्स में TCS, इंफोसिस शेयरों के दामों में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए NMC न्यूज के साथ। धन्यवाद।